जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण चैप्टर प्रारंभ करते हैं। आइए पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इस चैप्टर में किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है और पूरा चैप्टर कैसे आगे बढ़ेगा। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। बेटा आप सबसे पहले तो याद रखें, ये द्विघात समीकरण की जो इक्वेशन होती है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये एक द्विघात समीकरण है एक्स में बेटा, ये एक्स चर राशि में एक द्विघात समीकरण है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, यहां पर एक्स की अधिकतम घात कितनी है, दो है, अर्थात इसके दो मूल होंगे बेटा। मूल को कहते हैं इंग्लिश में रूट्स, तो दोबारा अगर मैं आपको रूट्स कह देता हूं तो आप समझ जाइएगा मैं मूलों की बात कर रहा हूं। तो बेटा x की अधिकतम घात यहां पर दो है, तो इसके दो मूल होते हैं, ये जो दो मूल होते हैं इन्हीं से संबंधित हमारा पूरा चैप्टर आगे बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों आइए इसके बारे में और भी बातें समझ लेते हैं। यहां पर ये जो a b और c हैं, ये बेटा बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, और एक और छोटी सी शर्त है, a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ये दोनों बातें आप ध्यान रखना है आपको बेटा। यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये एक द्विघात समीकरण है, x में द्विघात समीकरण है, x की अधिकतम घात दो है, इसका मतलब ये दो मूल होंगे, दो रूट्स होंगे। और पहली और दूसरी शर्त के बारे में समझ लें, ए बी सी, यहां पर ये जो गुणांक है कोफिशिएंट्स हैं ए बी और सी, ये ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, ए की वैल्यू जीरो नहीं होती। ए की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो बेटा ये खत्म हो जाएगा, एक्स की पावर वन बचेगी, तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए अब आगे दूसरी बात को समझ लेते हैं। जब हम इस द्विघात समीकरण को आगे देखते हैं तो आपको एक दूसरी बात का ध्यान रखना है बेटा, वो है श्री धराचार। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। प्यारे बच्चों ये द्विघात समीकरण को हल करके श्री धराचार जी ने ये एक सूत्र दिया था, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यहां पर बेटा अगर हम प्लस ले लेते हैं तो हमें एक रूट मिलता है, उसे हम अल्फा नाम देते हैं, और अगर यहां पर हमने माइनस का साइन ले लिया तो हमें दूसरा रूट मिलता है, उसे हम कहते हैं बीटा। तो हमारा जो चैप्टर आगे बढ़ेगा वो अल्फा और बीटा के बारे में, जो रूट्स हैं दो, इनके बारे में बढ़ेगा। बेटा आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे डी, डी बेटा होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, हिंदी में इसके दो नाम हैं, एक नाम है जो हम जानते हैं विविक्तकर, एक नाम होता है विविक्तकर और दूसरा नाम होता है बेटा विवेचक। तो याद रखना डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक या विविक्तकर। ये डी की जो वैल्यू होती है बेटा, ये होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जब आप द्विघात समीकरण देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और वहां से आपका विविक्तकर आपसे पूछा जाता है, तो आप ए बी सी की वैल्यू उठा करके यहां रख देते हैं और डी को कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट विवेचक या विविक्तकर इसे कहते हैं, ये डी ऐसा निकलता है। अब बच्चों अब आपको एक बात समझनी है कि विवेचक अगर पूछ देंगे तो आप ये निकाल लाएंगे, विविक्तकर पूछेंगे तो ये निकाल लाएंगे, फॉर्मूला आपके पास है बेटा। अब आपको जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो पूछे जाते हैं कि इनके नेचर, जो रूट्स के नेचर है, दो रूट्स मैंने निकाले अल्फा और बीटा, इनका नेचर, इन रूट्स का क्या नेचर है, इनकी क्या प्रकृति है। तो मूलों की प्रकृति के बारे में हम देखते हैं, वो इसी डी से कैलकुलेटेड होते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डी होता है बेटा, ये डी या तो जीरो रहता है, या डी ये जीरो से बड़ा होता है, या ये जो डी डिस्क्रिमिनेंट है ये जीरो से छोटा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे बेटा हमारे पास लिखा हुआ है डी की वैल्यू जीरो, जैसा कि आप डी को बड़ा जानते हैं, विवेककर विवेचक कहते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बेटा डी की वैल्यू आपको याद रखनी है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होती है। अब जैसे हमने d की वैल्यू निकाली और वो जीरो हुई, तो हम बोलेंगे कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स को बेटा हम हिंदी में कहते हैं मूल। ठीक है, ये जो रूट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, ये है रियल और दूसरा है इक्वल। तो दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल यानी कि वास्तविक, और इक्वल का मतलब होता है समान। तो दोनों रूट्स आपस में समान होंगे और वो रियल होंगे।
क्लियर है प्यारे बच्चों। अब डी की वैल्यू जीरो से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव, जीरो से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, जब आप डी को निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है यहां पर जो इसके रूट्स हैं वो रूट्स कैसे हैं, रियल हैं यानी कि वास्तविक हैं, और इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, रूट्स हैं अनइक्वल यानी कि असमान, भिन्न भिन्न जिनको बोलते हैं असमान, ठीक है प्यारे बच्चों। रियल मतलब वास्तविक। अगर d की वैल्यू जीरो से कम है तो इसका मतलब है जो d निकलेगा ये निगेटिव में आएगा बेटा। तो यहां पर याद रखना इसके रूट्स होते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी को हम लोग हिंदी में कहते हैं काल्पनिक, इसके मूल जो होते हैं बच्चों वो होते हैं काल्पनिक। क्लियर है? तो बच्चों आपने ये पहले देखा कि जो द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, a b c यहां पर वास्तविक होते हैं, और आपने दूसरी बात देखी a की वैल्यू जीरो नहीं होती। वहां पर आपने d विविक्तकर सीखा, d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक या विविक्तकर, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac देखा। तीसरी बात आपने समझी कि जो d होता है ये जीरो हो सकता है, जीरो से ज्यादा हो सकता है, जीरो से कम हो सकता है। जब जीरो होगा d का मान तो उसके मूल, इसके रूट जो है वो कहलाएंगे रियल यानी कि वास्तविक, और इक्वल कहलाएंगे यानी कि जो समान दो रूट्स निकले वो दोनों आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। याद रखना d का मान बराबर में जीरो है ना, तो d बराबर जीरो तो मूल भी बराबर। अब यहां देखिए मूल बराबर तो नहीं आ रहा है, यानी कि क्या ये बराबर का साइन तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है d की वैल्यू जीरो से ज्यादा तो है, मूल वास्तविक है लेकिन असमान है। यहां तो समान थे क्योंकि बराबर था, मूल बराबर थे, बराबर नहीं है, मूल बराबर नहीं है। तीसरी d की वैल्यू, तीसरी कंडीशन d की वैल्यू जीरो से कम है, जीरो से कम है निगेटिव, जीरो से ज्यादा है तो पॉजिटिव। नेगेटिव जब है d की वैल्यू जीरो से कम आएगी तो आप कहेंगे इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं। तो रूट्स वास्तविक, ये दोनों स्थितियां दोनों को मिला करके कहा जाता है, दोनों के दोनों में कहते हैं बेटा यहां पर d की वैल्यू जीरो या जीरो से ज्यादा, ये स्थिति कहलाती है जब कहेंगे मूल वास्तविक है, ठीक है, मूल वास्तविक है, रियल है, तो d की वैल्यू जीरो या जीरो से ज्यादा, इन दोनों को एक साथ कहते हैं। और ये अलग है बेटा, d की वैल्यू जीरो से कम इसका मतलब है रूट्स हमारे काल्पनिक हो गए, इमेजिनरी हो गए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम इसके जो मूल है उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, उनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है समझते हैं। आइए स्टूडेंट समझते हैं बेटा, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। बेटा इसके दो रूट्स आपने देखे थे, क्योंकि यहां पर x की अधिकतम घात दो है तो दो रूट्स होंगे, दो मूल होंगे, पहला होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। तो बच्चों ना है ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा जिसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, इसको हिंदी में कहते हैं मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग या योगफल। तो प्यारे बच्चों मूलों का जो योगफल होता है वो याद रखिएगा ये होता है माइनस बी अपॉन ए। दूसरी बात मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल या गुणन, ठीक है, मूलों का गुणनफल ये होता है बेटा सी अपॉन ए। तो आपको याद रखना है कि जगह अगर आपसे पूछा जाए मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा तो जवाब होगा माइनस बी अपॉन ए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जवाब होगा सी अपॉन ए, ठीक है। चलिए अब इसमें और बातें कुछ समझ लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपको यह पता होना चाहिए अगर मूलों का अंतर पूछ देंगे तो इन्हीं दोनों की जानकारी अगर हमें है तो हम यहां पर फॉर्मूले में रख देते हैं। वो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपने ये फॉर्मूले को लगा दिया तो जो क्वेश्चन आपका ज्यादा लाइन ले रहा था वो कम लाइन लेकर के सॉल्व हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए अब और एक दो पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कह दे मूलों के वर्गों का योग क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बेटा फॉर्मूले के नाम पे आपके पास यही दो होते हैं, ठीक है, उन्हीं के भी आप पे अमल करते चलते हैं। ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए अगर आपसे कह देंगे एक द्विघात समीकरण है और मूलों की जानकारी, मूलों का योग फल गुणनफल या मूल कैसे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा तो आप ये निकाल लेंगे, मूल दोनों को निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। अब आप क्या करते हैं, अगर आपको मूल दे दिए जाए और समीकरण पूछ लें, ठीक है, यहां तो समीकरण दे करके मूल पूछा गया है, अगर मूल दे दिए जाए और समीकरण पूछ लिया जाए तो कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं।
आइए बच्चों अब देखते हैं दूसरी बात है when roots are given, जब मूल दिए गए हों तो समीकरण आपको निकालना है, तब आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। वो इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी जब आपको मूल दे दिए जाए। अभी तक आपने देखा था कि आपको दिया जा रहा था यहाँ पर एक समीकरण और समीकरण से आपने मूल निकाले थे। अब आपको मूल दे दिए जाए और समीकरण पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला होता है। पहली बात एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, अगर मूलों के योग को मैं एस कहूंगा तो मूलों का योग गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल को मैं पी कह रहा हूं। ठीक है तो प्यारे बच्चों एस का मतलब है कि मूलों का योग है और पी का मतलब है प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, मूलों का गुणनफल है। ठीक है चलिए अब देखते हैं तो क्या होगा हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि पी मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। और दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं वो समीकरण को कैसे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। जैसे इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इसे सॉल्व करके लाएं तो वो भी यही इक्वेशन आती है। तो बच्चों अब हमने क्या देखा कि अगर हमें मूल दिए जाएंगे तो हम समीकरण ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है तो चलिए आइए अब इन पर बेस्ड कुछ और छोटी छोटी ट्रिक्स हैं आप उनको समझ लीजिए ताकि आपको चैप्टर को करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं, आइए बच्चों हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस में। जैसे पहले कंडीशन, जब मूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम हो। तो जैसे हमारे पास द्विघात समीकरण दिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण हमारे हमें दे रहे हैं, कह रहे हैं इसका एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा मूल ये हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन अल्फा हो जाएगा। ठीक है अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या है उसका व्युत्क्रम है यानी कि रेसिप्रोकल। तो एक तो ये अल्फा ठीक है लेकिन ये वाला जो रूट है ये बीटा की जगह पर है, क्या है रेसिप्रोकल। तो अल्फा का व्युत्क्रम वन अपॉन अल्फा। प्यारे बच्चों अब हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू ये जो बीटा है, बीटा की जगह पर मूल व्युत्क्रम है ना, तो अल्फा की जगह वन अपॉन अल्फा लिखा, यहां पर सी अपॉन ए, ये कैंसिल हुआ। तो प्यारे बच्चों यहां वन इज इक्वल टू क्या मिला, सी अपॉन ए। तो बेटा सी बराबर क्या आ गया, ए, या ए बराबर सी। तो आपको दोबारा याद रखना है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो आपको कंडीशन याद रखनी है, तो वो कंडीशन क्या आ रही है, सी बराबर ए। याद रखिएगा अगर हमारे द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम रहेंगे तो मूल, तो कंडीशन डायरेक्ट क्या आएगी, तो कंडीशन आएगी सी बराबर ए। ठीक है बच्चों इसे नोट कर लीजिए, मैं दूसरी कंडीशन को डिस्कस करता हूं। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं, लिखा है जब मूल आपस में समान परिमाण के हों परंतु मूलों के चिन्ह विपरीत हैं। अब क्या होगा, तो बेटा मूल आपस में परिमाण में तो बराबर हैं, परिमाण मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड होती है, उनकी जो वैल्यू होती है। ठीक है तो मैग्नीट्यूड में तो सेम है परंतु अपोजिट इन साइन। ठीक है तो मैग्नीट्यूड उनका बराबर है। आइए देख लेते हैं ऐसे सवाल की क्या कंडीशन बनेगी। तो प्यारे बच्चों हमारे पास इक्वेशन लिखी है द्विघात समीकरण की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसके जो मूल हैं अल्फा और बीटा हम ये जानते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, इनके मूल अल्फा बीटा आपस में समान परिमाण में हो, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा भी क्या हो, अल्फा, समान परिमाण हुआ। परंतु आगे क्या कह रहे हैं, परंतु मूलों के चिन्ह विपरीत है, अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा बेटा, माइनस होगा। क्लियर है बच्चों, अगर एक रूट प्लस का है तो दूसरा क्या हुआ, माइनस का हुआ। अब आइए इससे संबंधित बात को समझते हैं। जैसे बेटा हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा तो अल्फा लिखा लेकिन बीटा की जगह पर हमने माइनस अल्फा लिखा, तो माइनस बी अपॉन ए, ये इससे कैंसिल, जीरो में ए का प्रोडक्ट हो गया, जीरो इंटू ए, इधर क्या मिला, माइनस का बी। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम देखेंगे तो जीरो मिलेगा, माइनस इधर आ जाए तो जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का, वो न्यूट्रल होता है। कुल मिलाकर के बी की जो वैल्यू आई है वो प्यारे बच्चों आई है जीरो। अब आपको दोबारा अगर कोई प्रश्न आता है या हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक पे बनता है कोई सवाल कि जब मूल आपस में समान परिमाण के हों परंतु मूलों के चिन्ह विपरीत हों, तो याद रखना है बी बराबर जीरो बनेगा। क्लियर है, डायरेक्ट आपको बी बराबर जीरो रख के सवाल को हल कर लेना होगा। आइए बच्चों अब हम आपको तीसरे ट्रिक को समझाते हैं, तीसरे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। प्यारे बच्चों अगर हमारे पास एक समीकरण लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, आप जानते हैं इसके मूल अल्फा बीटा होते हैं।
अब आपसे कहा गया एक ऐसा समीकरण बताइए जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम हैं, यानी कि 1/α, 1/β है। क्लियर है बच्चों? मैंने क्या कहा, अगर हमारे पास द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो एक ऐसा समीकरण बताइए जिसके मूल पहले वाले उपयुक्त समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम हैं। तो आपको छोटी सी बात याद रखनी है, ये ट्रिक याद रखनी है। ये ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा, ए की जगह पर सी और सी की जगह पर ए, बस और कोई ट्रिक नहीं। चलिए देखते हैं क्या समीकरण हो जाएगा। सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो, ये इसका समीकरण होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग चौथे पॉइंट, चौथे कॉन्सेप्ट को समझते। आपसे कहा गया कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, आप जानते हैं द्विघात समीकरण, हम ये मानते हैं। आपसे कहा गया यदि इस द्विघात समीकरण के मूलों का योग, ध्यान से देखें क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं यदि इस द्विघात समीकरण के मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर हो जाए। ठीक है, क्या कहा गया, पहली बात तो ये प्यारे बच्चों, इसके जो मूल होते हैं वो हम जानते हैं अल्फा और बीटा होते हैं। क्या कहा गया, मूलों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा मूलों के गुणनफल के बराबर हो जाए तो क्या कंडीशन, क्या शर्त प्राप्त होगी। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इस द्विघात समीकरण के कहा गया था कि इसके मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, देन फाइंड द कंडीशन। तो शर्त निकालनी है, क्या कंडीशन होगी, बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होती है। ए से ए कैंसिल किया, बी की वैल्यू, ये माइनस का साइन इधर चला गया, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो बी प्लस सी बराबर कितना हुआ बेटा, जीरो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को अगर कहा जाए कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है जिसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं और कह रहे हैं कि मूलों का जो योगफल है वो मूलों के गुणनफल के बराबर हो, मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल के बराबर हो, तो क्या शर्त आती है, तो शर्त आती है बी प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको पांचवे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास द्विघात समीकरण लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। आपसे कह रहे हैं ये समीकरण इस प्रकार का है कि यदि, ध्यान देना बेटा, इस प्रकार का है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर जीरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों, ध्यान देना, अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो आता है, ए बी सी इनको जोड़ें और हमें जीरो प्राप्त हो, तो ध्यान रखना बेटा इसके जो दो मूल आते हैं वो फिक्स्ड हैं, वो आपको याद रखने हैं। पहला मूल हो गया एक, दूसरा मूल हो गया सी अपॉन ए। प्यारे बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि इसके मूल एक और दूसरा मूल सी अपॉन ए, ये दो मूल हो जाएंगे। यदि इस द्विघात समीकरण में कंडीशन क्या मिले, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो आता है, तो पहला मूल इसका एक है और दूसरा मूल जो है वो सी अपॉन ए है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अगर आपके पास द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो दिया गया हो और कहा जाए, कंडीशन दे रहे हैं यदि a माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो, याद रखना इसके पहले वाले पॉइंट में समझाया था वो यहां पर प्लस था, ठीक है, उसमें तीनों प्लस थे लेकिन यहां पर ये माइनस कहा गया है। अगर ये कंडीशन हो, वहां पर बच्चों मूल थे वन और दूसरा मूल था सी अपॉन ए, तो यहां पर जो मूल है रूट्स हैं वो उसमें माइनस आ जाता है, माइनस वन और दूसरा रूट्स है माइनस का सी अपॉन ए, पहला रूट है माइनस वन, दूसरा रूट है माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, अगर यहां पर माइनस था तो ये दोनों साइन माइनस, अगर यहां प्लस था तो दोनों साइन प्लस आएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 7 को समझते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। आइए देखते हैं, आपके पास एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो दिया गया और आपसे कहा गया इसके जो रूट्स हैं उनमें जो अनुपात है बच्चों वो अनुपात है पी क्यू का। ये पी क्यू का जो अनुपात है किसमें है, ये रूट्स में अनुपात है, यानी कि मूलों में अनुपात है। ठीक है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा परीक्षा के लिए, अब इसे ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूलों में अनुपात पी क्यू का है। तो बेटा आपको याद रखना है, इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये शॉर्टकट से आपको आराम से सॉल्व कर लेना है। आइए देखते हैं क्या शॉर्टकट है। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले लिखना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, आपने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा बी स्क्वायर बराबर ए सी। यहां पर देखिए प्रोडक्ट है,
ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट यहां पर है तो आपको यहां पर प्रोडक्ट करना है इन्हीं दोनों का, पी क्यू का। यहां पर स्क्वायर है तो आपको यहां पर स्क्वायर करना है, ठीक है। दूसरी तरफ जैसे यहां पर एसी दोनों का प्रोडक्ट था तो हमने प्रोडक्ट तो उधर किया, यहां स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर यहां किया, यहां पर हमने पी क्यू का प्रोडक्ट किया था और यहां पर स्क्वायर करेंगे पी प्लस क्यू का। क्लियर है बच्चों? तो आपको ये शॉर्टकट अगर आपको याद है तो हमारा क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक दो और पॉइंट्स को समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। अब हम आपको एक और कॉन्सेप्ट से रूबरू कराते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिएगा, आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसके रूट्स ध्यान दें, इसके जो रूट्स हैं मूल है अल्फा बीटा न होकर के ये मूल दिए जाएं टेन अल्फा टेन बीटा। प्यारे बच्चों, आपको इसके जो मूल है अभी तक आपने देखे थे वो अल्फा बीटा दिए जाते थे, अब मूल दिए जा रहे हैं टेन अल्फा टेन बीटा। अब इसमें क्या दिया जाएगा, यदि शर्त देखिएगा, यदि अल्फा बीटा जोड़ा आपने, अल्फा बीटा को जोड़ा आपने और आपको 45 डिग्री मिल रहा है। एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, किसी के लिए भी। ध्यान दीजिएगा, इसके मूल अल्फा बीटा ना होकर के टेन अल्फा टेन बीटा है, यदि अल्फा बीटा जोड़ने पे 45 डिग्री मिल रहा हो तो देखिएगा कंडीशन क्या होगी। डायरेक्ट आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये आपको शॉर्टकट याद रखना है, अगर आपको ये शॉर्टकट है याद अच्छे से है तो आप देखेंगे आप ऐसे क्वेश्चंस को बेटा के 2-3 सेकंड के अंदर ही कर लेंगे। ये आपके पास ट्रिक डायरेक्ट आपको याद रखनी है, अगर आपको ये ट्रिक अच्छे से प्रिपेयर है तो यकीन जानिए क्वेश्चन आपका 2-3 सेकंड के अंदर होगा। इसके मूल ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल अल्फा बीटा नहीं है, ये मूल टेन अल्फा टेन बीटा है और यहां पर अल्फा बीटा को जोड़ने पर 45 डिग्री मिल रहा हो तो याद रखना ए और बी ये जुड़ करके सी के बराबर हो जाता है। इस शॉर्टकट के मदद से आप क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर कर लेंगे बच्चों। तो चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं। तो साथियों, अब हम आपको एक 9 नंबर पॉइंट डिस्कस करते हैं, इस पॉइंट को भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा गया यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो तथा एक दूसरा समीकरण दिया जा रहा है तथा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर जीरो के रूट्स में के मूलों में समान अनुपात है, के मूलों में समान अनुपात हो, तो अब आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, परीक्षा में मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, आपको कंडीशन क्या बता रहा हूं, शॉर्टकट बता रहा हूं, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो तथा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर जीरो के मूलों में समान अनुपात हो तो क्या कंडीशन है कि आपका ये क्वेश्चन जो है, क्या कंडीशन लगाएं कि क्वेश्चन आपका सेकेंडों में सॉल्व। आइए बच्चों देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, हमारे पास यहां पर 2 समीकरण लिखे हुए हैं। पहला समीकरण हमारे पास है, ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, एक ये समीकरण है, और दूसरा समीकरण है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर जीरो। प्यारे बच्चों, आपसे कहा गया है कि दोनों समीकरणों के मूल कैसे हैं, समान अनुपात में है, समान अनुपात, ये मूलों में समान अनुपात है, ठीक है। तो देखिएगा क्या कंडीशन है, यहां से आपने पहले समीकरण से बी स्क्वायर लिया, बी स्क्वायर, और दूसरे समीकरण से बच्चों क्या लेंगे, क्यू का स्क्वायर लेंगे। सहमत हैं आप लोग, यहां तक आ रहा है? तो इधर से आपने बी स्क्वायर लिया और इधर से आपने क्यू स्क्वायर लिया। जब आपने बी स्क्वायर लिया तो ध्यान देना, जब आपने इस समीकरण को लिया तो आप इस समीकरण से बी स्क्वायर लेंगे, लेकिन जब इधर वाले में जाएंगे तो यहां से आप लेंगे पी आर, आपने इधर प्रोडक्ट कर देना है बेटा पी आर का। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये आगे स्वयं बता सकते हैं, मैंने यहां से क्यू स्क्वायर लिया तो अब यहां से नहीं, आप कहां जाएंगे, बगल वाले में जाएंगे, यहां से क्या लेंगे एसी, तो आपने यहां पर रख देना है एसी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये जो शॉर्टकट आया है इसकी मदद से क्वेश्चन हम 2-3 सेकंड के अंदर ही लगा लेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारा मिनटों में सॉल्व होने लगेगा। अगर हमें शॉर्टकट आता है तो मिनट को कन्वर्ट करके हम सेकंड में पहुंच सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो प्यारे बच्चों, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने जितना कॉन्सेप्ट समझाया द्विघात समीकरण का याद गया होगा। आइए अब एक चीज और समझ लेते हैं। कभी कभी प्रश्न त्रिघात समीकरण के पूछ लिए जाते हैं, आइए देखते हैं उन्हें कैसे करना है। प्यारे बच्चों, हमारे पास त्रिघात समीकरण ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो दिया जाएगा। जब भी हमें कोई त्रिघात समीकरण दिया जाएगा, हम इसी से कंपेयर करते हैं कि वो त्रिघात समीकरण है ए एक्स की घात तीन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। बेटा, द्विघात समीकरण में मूल हमारे पास अल्फा बीटा थे, लेकिन यहां पर जो मूल है ये अल्फा बीटा और गामा, तो हमारे यहां पर तीन रूट्स हो गए, क्योंकि एक्स की अधिकतम घात वहां पर बेटा दो थी, यहां पर एक्स की अधिकतम घात कितनी है, तीन है। तो इसके मूल हो गए, रूट्स हो गए अल्फा बीटा और गामा। आइए देखते हैं इनके क्या फॉर्मूले बनते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होती है ये होती है माइनस बी अपॉन ए। दूसरा फॉर्मूला देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। और तीसरा देखते हैं बेटा, अल्फा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला है माइनस डी अपॉन ए। तो प्यारे बच्चों, ये आपको तीन फॉर्मूले याद रखने। जैसा आपने द्विघात समीकरण में देखा था कि आपको समीकरण देकर के मूल पूछ लिए थे, और दूसरा क्या देखा था, मूल देकर के समीकरण पूछा था। ऐसे यहां पर भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमें कोई ध्यान रखना बेटा, ये दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको अल्फा बीटा और गामा ये रूट्स गिवन हो, ये मूल गिवन है, तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं उसका भी फॉर्मूला है। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। आपको अगर याद हो तो द्विघात समीकरण में भी मैंने आपको बताया था एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, वहीं पर रुक गए थे, बराबर जीरो लिखा था, लेकिन यहां पर तीसरा मूल भी है गामा, तो हम आगे बढ़ेंगे, एक्स माइनस गामा अब बराबर जीरो लिख देंगे। तो अगर आपको मूल दे दिए जाए और आपसे समीकरण पूछा जाए, तो आप ये समीकरण इस ढंग से निकालेंगे। तो बच्चों, त्रिघात समीकरण से संबंधित भी आपने ये कुछ पॉइंट्स को देखा। अब हम लोग द्विघात समीकरण के एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम आपको एक और कॉन्सेप्ट को बता करके इस चैप्टर का समापन करते हैं, फिर अगले वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। प्यारे बच्चों, मैं जो आपको ये समझाने जा रहा हूं, नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालना, आपको ये एक इक्वेशन दी जाएगी, इस पैटर्न पे दी जाती है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस की ट्रिक क्या है, आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, यूट्यूब के इतिहास में ये मेरा वादा है आपसे कि आप ये ट्रिक पहली बार सीखेंगे। ये देखिएगा ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, ये ट्रिक है 40/22 का रूल। ये रूल 40/22 का रूल है, ये YouTube के इतिहास में पहली ट्रिक है, पहली बार मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं क्या है। a mod x square plus b mod x plus c बराबर जीरो, इस पैटर्न के जो क्वेश्चन दिखते हैं, आपसे कहा जाता है नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालना है। तो देखते हैं 40/22 का रूल क्या है। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, सॉरी एक नहीं दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर वाला पद, एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा धनात्मक पॉजिटिव रखना है, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस का प्रोडक्ट करा देंगे, हो जाएगा सिंपल। चलिए, एक बात आपको ये याद रखनी है, और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, बस इन्हीं दोनों बातों से। ये दोनों बात आपने, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपने नाइन्थ में सीख रखा था। इस चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं प्लस प्लस, और बेटा इसके चिन्ह होते हैं माइनस प्लस। इस चतुर्थांश इस क्वाड्रेंट के साइन होते हैं माइनस माइनस, और यहां के साइन होते हैं प्लस माइनस। आप सभी बच्चे जानते हैं, क्लियर है ना। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको a mod x square plus b mod x plus c बराबर जीरो, इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालना आप सीख रहे हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चन देकर के आपसे कहते हैं कि इस रूट्स में, सॉरी आपसे कहा जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में कितने रूट्स होंगे वास्तविक, ये गणना करनी है, ठीक है। तो देखिए ये 40/22 का रूल, देखते हैं क्या करते हैं। पहली बार एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रखना होता है, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला जो पद होगा ये हमेशा धनात्मक रखना है। मैं इसकी बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इसके बारे में केवल एक ही बात है, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो धनात्मक रहना। अगर मान लीजिए धनात्मक आता है तो आप माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब दूसरी बात, ये आपको आपने नाइन में पढ़ रखा है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है प्यारे बच्चों। देखते हैं अब आगे और क्या करना है। ये जो साइन लिखे हुए हैं ये याद रखिएगा, ये साइन किसके हैं। मैंने कहा पहली बात इसके बारे में क्या कही,
ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब हमें ये जो साइन लिखे हुए हैं ये बी और सी के वाले साइन है, इस पद के और इस पद के साइन है। ठीक है, अब देखिए ये 40/22 को सेट कर दीजिए, ये 4, ये 0, ये 2 और ये 2, 40/22 करो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, अगर आपको कोई समीकरण दिया जाएगा जिसमें ये दोनों साइन प्लस प्लस के, इसको प्लस करने के बाद देखना है, अगर ये दोनों साइन हमारे प्लस प्लस के हैं, यानी कि ये देखिए यहां इस चतुर्थांश में जाएंगे, इसके वास्तविक पूल कितने हैं, एक भी नहीं है। अगर आपके पास कोई समीकरण लिखा है ये पॉजिटिव है तो ठीक है, अब अगर इसका साइन प्लस और इसका माइनस है तो आप कहां जाएंगे, इसका साइन प्लस और इसका माइनस है, यहां जाएंगे। अगर आप यहां जाएंगे तो आप क्या पाएंगे, इसके कितने वास्तविक मूल है, 2 वास्तविक मूल है। अगर आपने देखा कि यहां पर माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस है, तो कितने वास्तविक मूल है, 4, क्योंकि आप इस चतुर्थांश में देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम आपको जब क्वेश्चंस कराएंगे तो आप कॉन्सेप्ट सारे शॉर्टकट्स को लेकर के हम आपको चलेंगे आगे के वीडियोस में, आप हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखिएगा और देखिएगा कितने कम समय में हम आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो चलिए, आपको इसी प्रकार के और कंटेंट्स को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।